थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सौरी जी को। मैं अभी अभिषेक सिंह जी जो हमारा बंगाल का राज्यसभा का एमपी है, कांग्रेस का लीडर है, अभिषेक सिंह जी को बोलने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। आमार आंतरिक शुभेच्छा नियो दोस्तों, बादल घटने के बाद जब पानी की बूंदें सूर्य की किरण से मिलती हैं, तब किरण के प्रभाव से एक इंद्रधनुष पैदा आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, मैं नहीं समझता कि इस गौरवशाली गणतंत्र के 70 वर्ष के इतिहास में कभी भी प्रतिशोध की राजनीति जो आज हम केंद्र स्तर पे देख रहे हैं कभी पहले देखी गई हो। सरकारें अलग अलग रंग की आई, बीजेपी की भी वाजपेयी सरकार थी, लेकिन प्रतिशोध से भरी, द्वेष से भरी साल पहले बिहार में लालू जी की, उसके 7 दिन बाद रैली के विषय में इनकम टैक्स नोटिस आ गया। यह मैंने 70 साल में नहीं देखा, लेकिन जब सैकड़ों रैलियां की उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछताछ करने की, ये किस प्रकार की दोगली आवाज और दोगले स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस सरकार की पहचान है, केंद्र सरकार की। आज अगर हम लोग सब बैठे हुए मंच पे या वहां नारा लगाएं, आलाप करें, तुसी ग्रेट हो, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। तुसी ग्रेट हो होना आवश्यक है, कहना आवश्यक है, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। हां, अगर आप उठ के अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं जनहित में, राष्ट्रहित में, तो आपको देशद्रोही, जैसे हमारे नेतागण ने कहा, करार किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा बिंदु, इस गुस्सा हटाने की एक प्रस्ताव आ रहा है यहां पर, और सरकार ने हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से तथ्य मांगे, किस प्रकार से जान माल की हानि हो सकती है, और उसको कम से कम आज तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसका समर्थन किया है, लेकिन भाजपा अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने से बाज नहीं आएगी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जान माल का क्या नुकसान हो, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई भाई कैसे लड़ाई कराई जाए, असुरक्षा पैदा हो, उनको सिर्फ सस्ती राजनीति से सस्ते वोट खींचने का उद्देश्य है।
दोस्तों तीसरा बिंदु जो कहा गया है कि हर सीट पे एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो सबसे मजबूत हो, उसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ बीजेपी को मिलता है, और इसलिए ये इंद्रधनुषीय जो आज मंच बनाया है ममता बनर्जी ने और आप सब ने मिलकर, उसका परम उद्देश्य वोट विभाजन को रोकना होना पड़ेगा, होना है। जब जब वोट विभाजन रुका है उसका परिणाम भी आपने देखा है। चाहे वो गोरखपुर हो या फूलपुर हो, इस नाजायज फायदे को जो मोदी जी और उनकी पार्टी उठाते हैं उसको हमें रोकना है। और दोस्तों अंतिम बिंदु, धनुषीय प्लेटफॉर्म की, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि अनैतिक गठबंधन, दो सरकारें चलाई गई, कभी जम्मू में एक सरकार, श्रीनगर में दूसरी सरकार, और वो हमको उपदेश देते हैं, हमको सीख देते हैं। तो दोस्तों मैं इंद्रधनुष भरता है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, भालो थेको, आंतरिका अभिनंदन। थैंक यू अभिषेक जी, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যারা পেছন থেকে সামনে দিকে আসছেন প্লিজ দয়া করে আসবেন না, যারা বসে আছে তাদের বসে থাকতে দিন এবং আপনারা বসে পড়ুন, এত মানুষ এসছে। আর আরেকটা কথা বলি, চারটের আগে কোনো গাড়ি ছাড়বে না, রাস্তা বন্ধ আছে, তার কারণ হচ্ছে এখনো অনেক মিছিল রাস্তায় আছে, এটা মাথায় রাখবেন। এখন কিন্তু কোনো গাড়ি, যারা বলেছিল আড়াইটে গাড়িতে চলে আসতে, তাদের বলি চারটের আগে কোনো রাস্তায় ক্লিয়ারেন্স পাবেন না, আপনারা বসুন, আপনাদের না নিয়ে একটি গাড়িও যাবে না, চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো পেছনে যারা আছেন তারা বসে পড়ুন, তারা বসে পড়ুন এবং আমাদের অতিথিদের কথা শুনুন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে তারা এসছেন। আর এটা মনে রাখবেন, আপনারা বাংলা দেখে তারা বলবে বাংলা ছেলেমেয়েরা কত ডিসিপ্লিন, কত সুন্দর, এই দিকে তাকিয়ে। আমি অনুরোধ করব আপনারা বসুন, অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক ত্যাগ করেছেন, আরো করতে হবে, দিল্লিকে বদলাতে হবে, যদি বদলাতে হয় তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে থেকে আমাদের লড়াই করতে হবে। ম্যাম, আমি শরদ যাদব জি নে হামারা জো জনতা দল সেকুলার কা লিডার হ্যায়, অনেক আন্দোলন করে এসছেন, পেছনে যারা আছেন ব্যারিকেডে ভাই বসে পড়ুন না, ভাই বসে পড়ুন না, এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি কোট জ্যাকেট অ্যাশকালার রঙের, বসে পড়ুন না, খয়েরি জামা জ্যাকেট আমি সব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বসে পড়ুন, প্লিজ বসে পড়ুন আপনারা। আদরণীয় মমতাজি, আগ্রহ থাকে হম বল দেন, सभी मंच पर बैठे हुए मान सम्मान और आदर के
नेता साथियों, बंगाल के गांव देहात बाजार हाट से आए हुए किसान मजदूर नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, भद्रजनों, आज इतिहास का बहुत बड़ा मौका है। देश संकट में है, किसान तबाह है, नौजवान जो है वो बर्बादी। और निर्माण के लिए जीना चाहिए था, आज वो निराश और उदास है। दुकानदार जीएसटी के चलते व्यापार ठप है, नोटबंदी के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10-12 बरस चली गई है। लगभग 7 करोड़ लोग नोटबंदी और जीएसटी के चलते रोजगार में लगे हुए बाहर चले गए हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार से लोगों को बाहर निकाल दिया है, तबाही और बर्बादी है। कल ही हिंदू में वो फोर्स की लूट, फौज का हथियार, फौज का जहाज है, पार्टियों का भी फर्ज है। देश की आजादी खतरे में है, देश की बोली खतरे में है, देश का उद्योग धंधा खतरे में है, देश का व्यापार खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। कोई तबाह, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ नहीं है, कोई सेक्शन भारत का नहीं है जो तंग और तबाह ना हो। इसलिए पार्टियों के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप गोलबंद हुए हो, पार्टियां भी गोलबंद होंगे और जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, जो फूट के रास्ते पे जाए उनको हराने का काम करो, उनको मिटाने का काम करो। देश की आजादी बचाना है, इसलिए सबको एक हो करके इस सरकार को हटाना है, इस सरकार को हटाना है। यह घोषित इमरजेंसी है, दिखती थी तो लड़ते थे, आज दिखता नहीं है। यही निवेदन करके अपनी बात को मैं ममता जी को और सभी नेताओं को जो यहाँ आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपने बोफोर्स बोला, रफेल माफ करना, मैं बोफोर्स